वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो फ्रेंड्स। मैं आज मैं सिखाऊंगा प्लिंथ प्रोडक्शन। प्लिंथ प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग है या फिर आप कोई फ्लैट्स हैं, तो उसमें भी एक प्लिंथ प्रोडक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्लैब होता है, टेरेस होता है, टेरेस के ऊपर जो पैरापिट वॉल होती है और जो कॉर्नर में जो गोला बनाते हो, तो वो गोला इसलिए बनाते हैं ताकि जो पैरापिट की वॉल है साइड में पानी, जो बरसात का मौसम होता है तो आपकी स्लैब पे वॉल की साइड में जाके आपकी स्लैब के अंदर कॉर्नर में ना भरे, ठीक है। तो इसलिए वो गोला बनाया था टेपर टाइप में। तो इसी तरह जब बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग या फिर फ्लैट या फिर घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक प्लिंथ प्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है, वो कौन सा होता है बताता हूँ। देखिए, जो आपकी फ्लोरिंग है, जैसे ये फ्लोरिंग है और ये आपका टॉप है, तो ये आपका क्या है, प्लिंथ बीम, प्लिंथ लेवल, ठीक है, ये आपका प्लिंथ लेवल है। और जो ये वाला लेवल बनाते हैं, जो ये चीज़ बना रहे हैं, ये बनाते हैं प्लिंथ प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्लिंथ प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक मेजरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रिक में अगर आपकी हाइट ज़्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, ब्रिक मेजरिंग कर देते हैं, जिसको टॉप वॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो टॉप वॉल की तरह से ब्रिक मेजरिंग बना देते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो बीच में है, इसको मिट्टी में पानी अच्छे से छोड़ना है, कॉम्पैक्ट करना है, फिलिंग करना है, पानी छोड़ के अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगी। उसके बाद ब्रिक ब्लास्ट, ठीक है, तो ये आपके क्या है, ब्रिक ब्लास्ट है। तो इस तरह से ये ब्रिक ब्लास्ट डालना है। तो ब्रिक ब्लास्ट डालने के बाद जो ये साइड सपोर्ट है, ये आपकी क्या है, साइड सपोर्ट है, ये आपकी लेवल है, ये लेवल क्या आपका प्लिंथ प्रोडक्शन का लेवल करते हैं ट्रांसफर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी आपका, जो ये आपकी प्रॉपर्टी लाइन है, जो प्रॉपर्टी लाइन है, जैसे बिल्डिंग की प्रॉपर्टी लाइन है, प्रॉपर्टी लाइन से जो डिस्टेंस रखना है मिनिमम 2 फीट, ये 1 फीट जितने भी आप रखना, मिनिमम रखना आपको मिनिमम 1 फीट तो होना चाहिए। तो ये आपका मिनिमम 2 फीट हो गया है, ठीक है, 2 फीट आपका ये विड्थ हो गई। इसी तरह ये 2 फीट, अब इसमें क्या करना है, ब्रिक ब्लास्ट डालेंगे, ब्रिक ब्लास्ट ले लीजिए या फिर आप पीवीसी डाल दें, पीसीसी। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिक ब्लास्ट डालना है। ब्रिक ब्लास्ट डालने के बाद इसमें कंक्रीट डाली जाएगी, M15 मिनिमम पीसीसी के लिए होती है और M20 आरसीसी के लिए होती है। तो M15 जो ग्रेड है, आरसीसी के लिए यूज़ कभी नहीं करना है। तो हम M15 मिनिमम आप करेंगे सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए, बिकॉज कंप्रेशन मेम्बर है। तो यहाँ पर आपको कॉन्क्रीट करनी है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सीधी टेप, जैसे सीधी होते हैं ना, सीधा नहीं रखना है। इससे क्या रखना है, आपको थोड़ा टेपर रखना है। मिनिमम जो स्लोप है 1:3, मिनिमम आपको यहाँ पे 0 रखना है कॉर्नर पे, तो पीछे आपको 2 इंची या फिर 1 इंची इस लेवल से उठा के रखना है। अब इसका मैं प्रॉफिट बताता हूँ। जो भी आपकी वॉल होती है, जैसे क्या वो बरसात होती है, पानी बरसात होती है, तो जो पानी हो जाए, जो बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा होती है, इसमें बाहर कोई सनसेट नहीं होता है, तो पानी क्या होता है, फ्लोरिंग, एक तो फ्लोरिंग का लेवल, जो फ्लोरिंग में जो पानी आता है वो बिल्डिंग में नहीं जाता है। दूसरा प्रॉफिट आपका ये, जो बिल्डिंग्स होती है, वॉल होती है, तो बरसात जो पानी वॉल के ऊपर लगता है, तो वो क्या होता है, कॉर्नर में जाकर लगता है। वो कॉर्नर क्या होता है, आपकी जो वॉल होती है, बिल्डिंग की वॉल होती है, उसको डिफेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है, ठीक है। जो पानी नीचे जाते हैं, नमी जाती है, नमी से आपका क्या, नमी किससे आपके बिल्डिंग की जाता है, नमी से फिर आपका क्या होता है, वॉल के अंदर आपका क्या होता है, सीलन आने लगती है। इससे आपकी वॉल के अंदर सीलन आने लगती है, पेंट खराब होता है, डीपीसी लेवल से ऊपर चले जाता है वो सीलन, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आपका प्लेन प्रोडक्शन है। इस तरह से आप कंपेक्ट करेंगे इसमें कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो जो ये पर्पज़ है इसका, तो ब्रिक ब्लास्ट डालने के बाद डिस्टेंस हम लेवल कर लेंगे, इसका टॉप लेवल कर देंगे। टॉप लेवल से आपका पास इसका स्लोप दे देंगे कंक्रीट के अंदर, जो सीमेंट कंक्रीट आपको डालनी है 1:2:4 मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका ये वाटर ड्रेनेज पाइप है, ये आपका बरसात के लिए, आपका सीवर के जो टॉयलेट बाथरूम जो भी है, ये आपका बना देते हैं, चैम्बर बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चैम्बर बनाने के बाद इसका जो जाएगा आपका मेन हॉल में जाएगा, यहाँ पे इसमें एक चैम्बर ये बनेगा नेक्स्ट, इसका जो बनेगा फिर इसमें मेन हॉल में चल जाता है इससे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका कि प्लिंथ प्रोडक्शन क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं, इसकी क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। तो प्रॉफिट हमें, इसका प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका बाउंड्री जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आपका प्लिंथ प्रोडक्शन 2 फीट हो गया, स्लोप हो गया, उसके बाद आपका बरसात का पानी है उसके डैमेज नहीं होगा बिल्डिंग का। जैसे आपने देखो बिल्डिंग झुक जाती है, बैठ जाती है, इस तरह से साइड में नहीं बैठती है। तो इस तरह से वे प्लिंथ प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं इसी तरह टेक्निकल वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का प्रेस कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।